भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में खेले जा रहे पांचवें टेस्ट का पहला दिन ऋषभ पंत के नाम रहा। पंत ने 111 गेंद में 20 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 146 रन बनाए। बारिश के कारण पहले दिन सिर्फ 73 ओवर ही फेंके जा सके। लीज के एक ओवर में पंत ने 22 रन बनाए। हाल ही में आलोचना झेलने वाले पंत ने इस बार की यादगार पाली खेली। उन्होंने सिर्फ 89 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो किसी भी भारतीय विकेटकीपर का सबसे तेज टेस्ट शतक था। इंग्लैंड में अपने कमजोर परफॉर्मेंस को देखते हुए पंत को आउट होने की जिम्मेदारी बाएं हाथ के स्पिनर जैक लीज को दी गई, जिसमें लीज नाकाम रहे। लीज ने 9 ओवर में 71 रन दे दिए। उनके आखिरी ओवर में पंत ने 2 चौके 2 छक्के लगाए। आज के टेस्ट में भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 338 रन बनाए। पंत के साथ साथ जडेजा ने भी काफी शानदार पारी खेली। 5 विकेट पर 98 रन बनाने पर लग रहा था कि टीम जल्द ही सिमट जाएगी, लेकिन पंत और जडेजा ने खेल संभाल लिया। दोनों ने छठे विकेट के लिए 222 रन की बड़ी साझेदारी की। बता दें कि पहले टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल 17 और चेतेश्वर पुजारा 13 रन बनाकर जेम्स एंडरसन का शिकार हो गए। इसके बाद युवा तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स ने हनुमा विहारी और विराट कोहली के विकेट लेकर भारतीय टीम को करारा झटका दिया। टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे है। ऐसे में उसे सीरीज जीतने के लिए सिर्फ ड्रॉ की जरूरत है। जसप्रीत बुमराह पहली बार टीम की कप्तानी कर रहे हैं।